एलाइड स्कूल अलमिराज कैंपस सोशल स्टडीज फॉर क्लास 3 वीक नंबर 1 लेसन नंबर 2 मैप्स। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डज अ मैप शो। एक मैप हमें क्या दिखाता है। आंसर अ मैप शोज द एग्जैक्ट पोजीशन एंड शेप ऑफ अ प्लेस। मैप हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी शेप के बारे में बताता है कि वो जगह हमारी मौजूदा जगह से कितनी दूर है और इसकी शेप कैसी है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट 3 थिंग्स मस्ट अ मैप हैव। एक मैप में कौन सी 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। आंसर अ मैप हैव कीज सिंबल्स एंड स्केल्स। एक मैप में कीज सिंबल्स और स्केल्स होने चाहिए। सिंबल्स अक्सर मैप के साइड पर दिए गए होते हैं कि अगर ये सिंबल है तो इसका ये मतलब है, जैसे कि रिवर को वेवी ब्लू लाइन से शो किया जाता है तो ये सिंबल्स की के ज़रिए से एक्सप्लेन किए जाते हैं। उसके अलावा मैप पर एक स्केल बना लिया जाता है जो कि 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से शो करता है। तो मैप पर कीज स्केल्स और सिंबल्स का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या हैं। आंसर द 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ज़मीन पर खुश्की के बड़े 7 हिस्सों को कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। एक ऐसी बुक जिसमें पूरी दुनिया के मैप्स बने हुए होते हैं उसे एटलस कहते हैं। ट्रू, तो ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पाकिस्तान इज़ इन यूरोप। पाकिस्तान यूरोप में है। फॉल्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज़ इन एशिया। पाकिस्तान एशिया में है। ऑन अ मैप फीचर्स कैन बी शोन इन सिंबल्स। मैप में फीचर्स को सिंबल्स के ज़रिए से शो किया जाता है, जैसे रिवर को वेवी ब्लू लाइन से, फॉरेस्ट को ट्रीज़ के ज़रिए से। ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और ओशन पानी के बहुत बड़े हिस्से को कहते हैं। तो ट्रू, ये ठीक है, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। नंबर 5 देयर आर 6 ओशंस ऑन द अर्थ। ज़मीन पर 6 ओशंस हैं। फॉल्स, ये गलत है। कितने ओशंस हैं? 5। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।